ओम तत्सत बहनों और भाइयों, आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक सुंदर वायरल गीत का आनंद लेंगे जो शायद आप सब जानते ही होंगे, मेरा दिल ये पुकारे आजा। बहुत मधुर गीत है, तो मैंने प्रयास किया है कि इसको हम स्पिरिचुअलाइज करें, अपने गुरु के चरणों में इसकी स्तुति की जाए, और आशा करता हूं कि आप सब ये पसंद करेंगे। और मेरा प्रयास है तो अगर आप लाइक करेंगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि हम सब इस सत्संग रूप का ही आनंद ले सकें। धन्यवाद। तो ये गीत शुरू करने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं कुछ गुरु के बारे में दो शब्द बोल दूं कि संत कबीर क्या कहते हैं दो दोहों के माध्यम से, और फिर गुरु की महिमा क्या है। हम पूछते हैं कि डू वी नीड अ गुरु, शुड वी हैव अ गुरु, हु इज अ गुरु, व्हाई डू वी नीड अ गुरु, ऑल दोज थिंग्स। गुरु एक्चुअली इज नॉलेज, ही एनलाइटनमेंट, ही शोज अस द पैथ, एंड इट्स नेवर अ ह्यूमन बॉडी। सो दैट इज द नॉलेज आई हैव शेयर्ड इन द वीडियो बिलो, तो वो लिंक मैंने आपको नीचे दिया है। तो अगर आप गुरु का ज्ञान और गहरा पाना चाहते हैं तो उसका आनंद आपको आएगा। हमारा तो अस्तित्व ही हमारे गुरु से है, हम आज जो भी हैं अपने गुरु के श्री चरणों की रज हैं, तो इसीलिए ये हम उनके प्रति अर्पित करना चाहते हैं, ये छोटा सा हमारा प्रयास। तो चलिए हम शुरू करें। पहले दो कबीर के हम दोहे ले लें, और मेरा इसलिए हम चाहते हैं कि पहले ये दोहे कर लें क्योंकि फिर जब हम गीत का आनंद लेंगे तो एक उसका अलग रस आएगा, क्योंकि हम गुरु का महत्व तो समझ पाएंगे, अदरवाइज इट्स जस्ट अनदर सॉन्ग, यू नो। तो हमारा वो प्रयास रहता है, आशा करते हैं कि उसका हम आप भी इंजॉय करेंगे, साथ में हम तो करेंगे ही। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले कबीर के दो दोहों के साथ। गुरु गोविंद दोनों खड़े का किला दिहुं पाय, गुरु गोविंद दोनों खड़े का किला दिहुं पाय, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए, ओ गुरु जी गोविंद दियो मिला। सब धरती का गद करूं लेखनी सब बनराय, सब धरती का गद करूं लेखनी सब बनराय, सात समंदर मसी करूं गुण लिखा न जाए, ओ गुरु जी गुरु गुण लिखा न जाए। सो कबीर दास जी सेइंग दैट गॉड एंड गुरु बोथ आर नॉकिंग ऑन माय डोरस्टेप एट द सेम टाइम, आई ओपन द डोर एंड आई सी बोथ ऑफ देम, सो आई एम इन अ डायलेमा दैट हुज फीट आई शुड टच फर्स्ट। ही सेज देन Without hesitation, I prostrate to my guru first because I fully realize and I know that because of the guru, my God has arrived. Otherwise, I would have been circulating in the cycles of reincarnation, birth and death, and this would not have been possible. So he gives the first prostrations to his guru. The second one is, sab dharti kagad karo. If I take the entire earth and I turn it into paper, if I take all the woods and the trees and make them into writing instruments, pencils, and I take all the water in the world, all the seven oceans as ink, even then I cannot do justice to the glory of the Guru. That is the significance of the Guru. And we have already stated Guru is not the physical body, he is the consciousness or the Atman, but we get the information through the physical body, the knowledge. So that is the essence. Now, hopefully we will have a better time when we enjoy this stuti together. So chaliye, ab hum prayas karte hain ye viral geet ka jo humne apne guru ke liye likha hai. Hari Om.
गुरु दर्श दिखा जा, मेरे गुरु दर्श दिखा जा, अपनी कृपा तू बरसा जा, मेरे गुरु दर्श दिखा जा, अपनी कृपा तू बरसा जा, हम तेरे पालक हैं, तेरा दर्शन चाहते हैं, मेरे गुरु दर्श दिखा जा। नहीं तो ये सुख ये संसार क्या करूं क्या करूं, तू नहीं तो ये सुख ये संसार क्या करूं क्या करूं, तेरी कृपा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कुछ नहीं, तेरी कृपा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कुछ नहीं, अब असुरता हूँ तेरे चरण धोता हूँ, अब असुरता हूँ तेरे चरण धोता हूँ, मेरे गुरु जी दर्श दिखा जा, हम तेरे पालक तेरा दर्शन चाहते हैं, मेरे गुरु दर्श दिखा जा। तेरी कृपा हुई आनंद भर गया तेरी कृपा हुई आनंद भर गया, मोह सारा नष्ट हुआ ज्ञान से मैं तृप्त हुआ, मोह सारा नष्ट हुआ ज्ञान से मैं तृप्त हुआ, मेरे गुरु मेरे गुरु जी दर्श दिखा जा, हम तेरे पालक हैं, तेरा दर्शन चाहते हैं, मेरे गुरु दर्श दिखा जा, मेरे गुरु दर्श दिखा जा, मेरे गुरु दर्श दिखा जा। जय गुरुदेव। हरि ओम तत्सत। तो आशा करते हैं आपको आनंद आया होगा, और यदि आया है तो कृपया ये सत्संग जो हमने किया है, आनंद लिया है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा यही उद्देश्य है कि हम समय 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 पर ऐसे ही मधुर गीत, जो कि ऑल्सो एंटरटेनिंग हैं, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट सपोज टू बी अ मोनोटनस बोरिंग एक्टिविटी, इट कैन ऑल्सो बी फन एंड एंटरटेनमेंट, तो जो जो हम आनंद लेते हैं वो भगवान को अर्पित करें तो उसका तो क्या बात है, सोने पे सुहागा ही हो जाता है, एक तो गाने का आनंद, ऊपर से भक्ति रूप में प्रभु को गुरु को अर्पित। तो हमारा यही प्रयास है, और इसके साथ साथ हम वेदांत उपनिषद इत्यादि भी सब कुछ चलता है, सब साथ साथ चलना चाहिए, तो आशा करते हैं आप हमसे जुड़ेंगे और हम इस पथ पर साथ साथ चलेंगे। तो आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम, अगली बार तक के लिए ओम तत्सत।